चैनल में शामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में जो है इंटरेस्टिंग वीडियो में जो है मैं जॉब डिस्कस करूँगा। FBR में जो है ज़बरदस्त वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में जो है इसके मतलब मैं आपको बताऊँगा कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा। जो डिपार्टमेंट है इनलैंड रेवेन्यूज़ FBR में जो है वैकेंसीज अनाउंस किए गए हैं, डिफरेंट जॉब टाइटल अवेलेबल है। उसके साथ जो है लोकल बेस पर भी कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिनके पास डिफरेंट सिटीज़ के डोमिसाइल रखने वालों को जो है तरजीह दी जाएगी, जिसमें हैदराबाद, कराची और कुछ सिंध और पंजाब और KPK के जो अजला हैं वो भी शामिल हैं। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जॉब अलर्ट्स आपको अपने चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये RTO डिफरेंट RTOs में जो है रीजनल टैक्स ऑफिसर और टैक्स ऑफिस सॉरी और जो उनकी डिफरेंट ऑफिसेज हैं, एड्रेसेस हैं, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ऑफिस एंड एड्रेसेस में जो है डिफरेंट वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले जो है RTO इस्लामाबाद में जो है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, और उसके बाद जो है स्टेनोटाइपिस्ट 26 पोजीशन, 5 डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके साथ ही UDC LDC 16 और डिस्पैच राइटर 15। इनमें जो है नोटिस सर्वर, उनमें 4 कुछ लोअर डिवीजन के जो लोअर स्टाफ उनको दरकार है। टोटल पोजीशन 102 इस्लामाबाद के लिए अवेलेबल है। उसके बाद जो है लाहौर में पोजीशंस जो अवेलेबल हैं कॉर्पोरेटिव टैक्स ऑफिस लाहौर, उसमें जो है स्टेनोटाइपिस्ट की 32 और 21 और 30, UDC 57 जो है LDC, और उसके साथ जो है 161 टोटल पोजीशन अवेलेबल है। इसी तरह जो है कराची में जो है कॉर्पोरेटिव टैक्स ऑफिस में जो है 143 पोजीशंस अवेलेबल हैं। RTO पेशावर में 36 अवेलेबल हैं, डिफरेंट अवेलेबल हैं, वेरी कर सकती हैं। इस जॉब अलर्ट की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है, लिहाजा इसको आप फुल रीड भी कर सकते हैं। RTO हैदराबाद टोटल 36 अवेलेबल हैं, और इसके साथ जो है एबटाबाद की 12 हैं। सियालकोट RTO 21 पोजीशन अवेलेबल हैं। फैसलाबाद में RTO में RTO FBR 83 पोजीशन अवेलेबल हैं। भावलपुर में 10 अवेलेबल हैं। मुल्तान की RTO 46 अवेलेबल है। RTO सखर में 8 हैं। RTO रावलपिंडी में 52 वैकेंट पोजीशन अवेलेबल हैं, डिफरेंट अवेलेबल हैं, यहाँ से आप कोटा चेक भी कर सकते हैं। RTO गुजरावाला की अगर बात की जाए तो 28 टोटल पोजीशन अवेलेबल है, कोयटा की 23 है, RTO सरगोधा 19, और उसके बाद जो है इस्लामाबाद की ब्रेकअप के साथ बात की जाए तो 15, 16, 5, 3 और 1, 8, 32 टोटल कराची जो है डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कराची की पोजीशन 32 अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे डेटा प्रोसेसिंग सेंटर IU लाहौर सब ऑफिस 8 पोजीशन अवेलेबल है। इसी तरह टोटल पोजीशंस जो है 912 पोजीशन अवेलेबल है, डिफरेंट क्राइटेरिया के और डिफरेंट जॉब टाइटल के साथ अवेलेबल है, यहाँ पे आप ब्रेकअप भी देख सकते हैं। अगर उनकी क्वालिफिकेशन और एज की बात की जाए तो असिस्टेंट के लिए डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू यू, 5 साल के सब पे एज रिलैक्सेशन दी जाती है, तो असिस्टेंट की 33 मैक्सिमम बनती है। और उसके एजुकेशन की क्राइटेरिया की बात की जाए तो बैचलर होना लाजिम है। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए 30 है मैक्सिमम, स्टेनोटाइपिस्ट की 30 है, इंटरमीडिएट 40-80 स्लैश वर्ड्स पर टाइपिंग स्पीड हो तो अप्लाई किया जा सकता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होगी तो प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। इसी तरह अगर आपके पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इसकी मैक्सिमम एज 30 रखी गई है, इसके साथ जो है 3 साल की और एज रिलैक्सेशन भी आपको दी जाएगी। अगर आप सिंध से हैं और दूसरे सिटी से हैं, ये वो भी नीचे लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 30 मैक्सिमम रखी गई है, ग्रेजुएशन और रेलेवेंट डिग्री में हो तो अप्लाई किया जा सकता है। इसी तरह UDC और अपर डिवीजन क्लर्क और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट मैक्सिमम एज 30 रखी गई है तो अप्लाई किया जा सकता है। तो अप्लाई करने का सिंपल मेथड है, यू हैव टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म विच इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा। दूसरा स्टेप, यू हैव टू अटैच द CNIC कॉपी एंड द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, और उसके साथ आपको अटैच करने हैं। फिर उसके साथ जो है कंसर्न ऑफिस में जो है आपको जाके वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। तो इसकी लास्ट डेट जो बनती है 20 सितंबर तक जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। 20/9/2021 तक कंसर्न ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा सकते हैं। तो ये ऑफिस की एड्रेस आपकी स्क्रीन पे है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास रेलेवेंट सिटी का आपके पास डोमिसाइल है तो यू विल बी गिवन मोर प्रेफरेंसेस एंड यू आर वेलकम टू अप्लाई फॉर द पोजीशंस। तो अप्लाई
कर पाएंगे। तो बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन और क्यूरीज हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।